अपने आसपास की ताजा तरीन खबरें सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए डेली न्यूज झारखंड और घंटे के बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, डेली न्यूज झारखंड में स्वागत है आपका। मैं हूं इम्तियाज अंसारी, प्रस्तुत है समाचार। रंका से हमारे संवाददाता प्रदीप साव की रिपोर्ट। राजकीय प्राथमिक विद्यालय तमगे खुर्द के प्रांगण में 18 प्लस लोगों को टीका शिविर लगाकर दिया गया। रंका सरकार के जारी गाइडलाइन के अनुसार रंका प्रखंड के राजकीय प्राथमिक विद्यालय तमगे खुर्द के प्रांगण में तमगे कला पंचायत के मुखिया देव कुमार राम एवं बसपा प्रखंड अध्यक्ष सचितानंद पासवान ने अपने ग्रामीणों के साथ कोविड-19 का पहला टीका लिया। समाचार लिखे जाने तक 18 प्लस के 22 लोगों को टीका लगाया गया था और 45 प्लस के 10 लोगों को टीका लगाया गया था। 18 प्लस का वैक्सीन के अभाव के कारण कुछ लोगों का टीका नहीं लग पाया। मौके पर मुखिया देव कुमार राम ने बताया कि अभी हमने कोविड-19 का टीका लिए बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं और लोगों से आग्रह कर रहे हैं कि लोग वैक्सीन लें, यह सुरक्षित है, किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है। आगे उन्होंने कहा कि 18 प्लस के जितने भी लोग हैं सभी वैक्सीन जरूर लगवाएं, वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है, कोरोना से लड़ाई में यह वैक्सीन पूरी तरह कारगर भी है। मौके पर बसपा प्रखंड अध्यक्ष सचितानंद पासवान ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि कोरोना वैश्विक महामारी का खतरा अभी टला नहीं है, उसका लहर धीमी पड़ी हुई है, इसलिए सभी लोग अभी भी सतर्क रहें और फिलहाल बचने का एकमात्र विकल्प वैक्सीन ही है, इसलिए सभी लोग वैक्सीन जरूर लगवा लें। अफवाहों पर ध्यान न दें, घर से निकलते वक्त मास्क जरूर लगाएं, सुरक्षित रहें और दूसरों को भी सुरक्षित रखें। लोग भ्रम से बचें और टीका अवश्य लगवाएं। मौके पर ANM रेखा कुमारी, सहयोगी शिक्षक संजय कुमार पासवान, डीलर बंसीधर राम, सेविका किरण पासवान, वार्ड सदस्य कुंती देवी आदि लोग उपस्थित थे।